गुमला जिले के प्रखंड ससई में संचालित ईंट भट्टों में सोमवार को जिला प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाया गया। जिला प्रशासन की ओर से गुमला सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में जिला खनन पदाधिकारी रामनाथ राय, थाना प्रभारी अनिल लिंडा के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। जिला प्रशासन के द्वारा अचानक किए गए इस कार्रवाई से ईंट भट्टा के संचालकों में खलबली मच गई है। ईंट भट्टा पर कार्रवाई करने के संबंध में जिला खनन पदाधिकारी ने बताया, प्रखंड ससई में अवैध रूप से चल रहे 4 अवैध ईंट भट्टे पर कार्रवाई की गई। जिला अंतर्गत जितने भी चूनी भट्टे हैं, उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार सबको ध्वस्त किया जाना है। इसी क्रम में ससई में अभी तक 3 भट्टों को ध्वस्त किए कार्रवाई की गई है और अभी आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी, कार्रवाई हो रही है। उसके म्यान को तोड़ा जा रहा है, जहाँ पर आग लगा हुआ उस जगह को छोड़ करके कच्चे ईंटों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये अलग मामला है, ये लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित है, उनके संज्ञान में जाने पर उचित कार्रवाई की। टोटल के टोटल भट्टा बंद रहेंगे, यदि चालू पाए जाएंगे पुनः कठोर कार्रवाई की जाएगी। गांव में 2 ईंट भट्टे, कुल मिला के 4 ईंट भट्टों पर कार्रवाई की गई। कितने ईंट भट्टे हैं आपके प्रखंड में? कुल 11 ईंट भट्टे हैं जो अवैध रूप से संचालित किए जाए। आगे भी ये कार्रवाई जारी, ये कार्रवाई जारी रहेगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।